तो दोस्तों आज बात करते हैं क्यू एन ए सीरीज के बारे में। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने उठाए हैं और हो सकता है आपका आंसर भी इन्हीं क्वेश्चंस में से एक हो, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहें। अगर चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी हिट कर लें। तो बढ़ते हैं चलो पहले क्वेश्चन की तरफ। एम सी ए का स्टूडेंट हूँ, कौन सा कोर्स करना चाहिए मेरे को जेट किंग से? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने बीसीए किया एमसीए किया है तो आप जेट किंग भी ज्वाइन कर सकते हो, और भी अदर इंस्टीट्यूट हैं, बट जेट किंग जो मेनली फोकस करता है वो आईटी हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग में फोकस करता है। अगर आप आईटी हार्डवेयर नेटवर्किंग में जाना तो वहाँ से कर सकते हो, और वहाँ की फ़ीस भी बहुत कॉस्टली है। इसके अलावा भी बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, तो आप चाहो तो सॉफ्टवेयर में भी जा सकते हो, आईटी हार्डवेयर नेटवर्किंग में जा सकते हो। अगर आपको बहुत पैसा कमाना है तो मैं आपको बोलूंगा कि आप कोडिंग फील्ड में आ जाओ, सॉफ्टवेयर वाली फील्ड में। चलो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देयर वॉज टू गुड नीड मोर लाइक्स प्रो ऑसम। थैंक यू सो मच इतना अच्छा कमेंट करने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये किया है फैक्स ब्लॉक 9883 ने। सर लिनक्स कोर्स कहाँ से करूँ, फीस क्या है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखो हर एक इंस्टीट्यूट की अलग अलग फीस होती है। आप जितने बड़े इंस्टीट्यूट में जाओगे उतनी ज़्यादा फीस होगी, और रही बात कहाँ से करने की, तो दोस्त मेरे आप कहीं से भी कर लो। जब तक आप खुद नहीं सीखोगे, खुद नहीं पढ़ोगे, जॉब मिलना आपके लिए बहुत बड़ा मुश्किल टास्क हो जाएगा। तो आप ये सोचो कि आप क्या सीख सकते हो, उसमें आप कितना पढ़ सकते हो, तो एक वो बेटर अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। फिर आप कहीं से भी कर सकते हो, कितना भी खराब इंस्टीट्यूट हो आप वहाँ से भी ज्वाइन करके आप लिनक्स में जॉब कर सकते हो। ये अगला कमेंट है, हाउ टू कॉन्टैक्ट यू फॉर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो दोस्त मैं बता दूं कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए आप मेरे से कांटेक्ट करोगे भी तो मैं किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट्स आपको बना के नहीं देखता हूँ, चाहे वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, ऑफर लेटर हो या लीविंग लेटर हो। हाँ, अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो, आप मेरे से गाइडेंस लेना चाहते हो एज ए कंसल्टेंट, अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो तो स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा होगा, मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। बट वहाँ पे वो चार्जेबल कॉल होती है, 199 रुपीज़ पर मंथ, एक महीने के लिए मैं आपसे बात कर सकता हूँ, आपको गाइड कर सकता हूँ। तो आप मेरे से उसके लिए गाइडेंस ले सकते हो, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन रिलेटेड और एक्सपीरियंस रिलेटेड ओके। कमेंट है, सर मुझे टर्मिनेट कर दिया गया है, क्या मुझे अब कहीं जॉब नहीं मिल पाएगी, क्या प्लीज़ रिप्लाई। तो मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं, आप ही एक ऐसे बंदे नहीं हो जो ऑर्गेनाइजेशन से टर्मिनेट हुए हो या कंपनी से टर्मिनेट हुए हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कंपनी से टर्मिनेट हो जाते हैं और बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी। बस एक वैलिड रीजन होना चाहिए, अब कहीं से आप चोरी करके निकलोगे, कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी, तो आपको बहुत मुश्किल टास्क होता है जॉब मिलना, लेकिन इन द लास्ट आपको फिर भी मिल जाती है। ऐसा नहीं कि कभी जॉब ही नहीं मिलती है, वो उसमें भी आपको जॉब मिल जाती है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर नॉर्मली कोई टर्मिनेशन केस है, कंपनी बंद हो गई या कुछ और भी, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती है, पर आराम से जॉब सर्च करो, आराम से मिल जाएगी ओके। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर मैं एक महीने की नोटिस पीरियड की सैलरी छोड़ रहा हूँ पर कंपनी नहीं मान रही है, क्या करूँ? तो दोस्त मैं आपको बता दूं कि आप जब किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो वहाँ पे बहुत से बॉन्ड और अग्रीमेंट वगैरह पे साइन करते हो। ये वो वाला अग्रीमेंट मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि 2 साल रुकोगे, 3 साल, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। बहुत सारे ऑफर लेटर्स पे, सॉरी, आप अपने ऑफर लेटर पे जब साइन करते हो उसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं, तो उस पर जब आप साइन करते हो तो उसमें सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। अब ये टोटली कंपनी पे डिपेंड करता है कि आपको वो 1 महीने के अंदर छोड़ेंगी या नहीं छोड़ेंगी, या आप सैलरी छोड़ दोगे तब वो छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, ये टोटली कंपनी पे डिपेंड करता है। इन केस अगर आप नहीं रुकते हो तो कंपनी आपका एक्सपीरियंस लेटर वगैरह भी रोक सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। अगर आप छोड़ भी देते हो तो आपका एक्सपीरियंस लेटर हो सकता है रोक दे, लीविंग लेटर हो सकता है रोक दे, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अपने अकॉर्डिंग देखें वहाँ पे और बात करें उनसे, कुछ बाकी आप घुमा सकते हो उन्हें, कुछ भी मेडिकल टर्म्स बता के आप उनको इधर उधर करके और वहाँ से रिलीविंग पा सकते हो। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आज के लिए क्यू एन ए सीरीज। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे दोस्त। और नीचे मैंने टेक्निकल सपोर्ट, डेस्कटॉप सपोर्ट, आईटी सपोर्ट के क्वेश्चन एंड आंसर दिए हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर हैं, जो कि आपको 95% वही मिल जाएंगे इंटरव्यू में। अगर आप चाहते हो तो वो चेकआउट कर सकते हो। और नीचे मेरा रिज्यूमे भी दिया है, आप वो भी शॉर्ट लिस्टेड के लिए एक बेस्ट रिज्यूमे, आप चाहो तो उसको भी चेकआउट कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।